ஹரே கிருஷ்ணா. சியாவர ராமச்சந்திர பகவான் கி ஜாய். तो पिछली बार जो है हमने चर्चा की, कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से हनुमान जी पहुंच चुके हैं और किस तरह से बहुत ही सोच विचार करके सोच रहे थे किस तरह से मैं सीता मैया को कम्युनिकेट करूं जिससे कि ज़्यादा शोर ना हो। हालांकि जितनी भी राक्षसियाँ थीं अशोक वाटिका के अंदर दारू पी के इतनी धुत तो रखी थी कि इवन उनकी जब बातचीत भी हुई है तो उनको होश नहीं है। तो शुरुआत कैसे की उन्होंने, राम कथा करनी शुरू की। सो ओनली टाइम में भी रामकथा अगर कभी अगर लंका में हुई तो फिर, और पहली बार जब हुई दैट वॉज डन बाई हनुमान जी। तो हनुमान जी ने जब डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया तो इतना अच्छा लगा सीता मैया को, जहाँ सीता मैया पूरे इतने डेस्परेशन में आकर के, दुख में आकर के, शी वॉज सो डिस्पोंडेंट कि वो अपने ही जो बाल हैं उनसे अपने गले में बांध करके टहनी बांध रही थी जब ये कर रही थी, तो हनुमान जी ने रामकथा करनी शुरू की। और इस प्रकार से सीता मैया को उनसे बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा जब इतनी सुंदर ये रामकथा करता है ये व्यक्ति जो भी है वो तो बाद में पता करूँगी, लेकिन इनसे ना और सुनती हूँ राम जी के बारे में। अच्छा ठीक है, राम जी के रूप के बारे में बताओ फिर। तो राम जी के रूप के बारे में बताना शुरू कर दिया फिर हनुमान जी ने। तो इस प्रकार से दोनों की बातचीत जब चल रही थी तो उसके बाद फिर हनुमान जी ने सीता मैया का गुणगान करना शुरू किया कि वास्तव में सीता मैया की जहाँ नज़र पड़ जाती है उस जगह का सौभाग्य खिल जाता है। जैसे किष्किंधा की ओर जब उन्होंने देख लिया जैसे सीता मैया ने, तो उस दिन से फिर किष्किंधा का सौभाग्य खिलना शुरू हो गया। जिस जब सुग्रीव को देख लिया तो सुग्रीव का जीवन बदल गया। तो सीता मैया की नज़र जहाँ पड़ जाती है, जहाँ उनकी दृष्टि पड़ जाती है, वहाँ तो मंगल होना ही होना है, लेकिन दुख में वो जिस जगह को देख लेंगी वहाँ तो फिर तहस नहस होना ही होना है। तो इसलिए दुख में उन्होंने एक ही जगह को देखा है, वो है लंका को। असहाय अवस्था में किष्किंधा को देखा था, लेकिन किष्किंधा जो है उसके बाद उतर गया, लेकिन लंका की अब बैंड बजने वाली है और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। तो उसके बाद फिर हनुमान जी ने क्या किया, अच्छा हनुमान जी ने जब जो रिंग दी जब सीता मैया को, तो सीता मैया रिंग ऐसे नहीं दी, अलाइए अपना हाथ लगी और रिंग दे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी को ऐसे देता है ना इट मीन्स आई एम सुपीरियर और जो लेने वाला होता है वो इन्फीरियर माना जाता है। लेकिन अब किसी को अगर ऐसे रिंग देते हैं ऐसे करके इट मीन्स आई एम इन्फीरियर यू आर सुपीरियर। तो हनुमान जी ने जो अंगूठी भी दी तो इस तरह से दी, ऐसे नहीं दी, ऐसे देना मतलब सुपीरियर। जैसे जब जब दीक्षा होती है तो व्यक्ति अगर जो गुरु होते हैं वो ऐसे देते हैं, राइट। तो बिकॉज गुरु इज सुपीरियर डिसाइपल इज इन्फीरियर। तो इस प्रकार से, लेकिन उन्होंने रिंग जो दी तो रिंग उन्होंने इस प्रकार से पकड़ी थी श्री राम के नाम की। तो इस प्रकार से राम जी का नाम लेकर के पहुँचे हैं सीता मैया के पास। तो यहाँ पर लेसन जो सीखने का है, एक तरह से देखा जाए तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी भवसागर को पार करके आ रहे हैं सीता मैया के पास नाम देने के लिए। उसी प्रकार से जो गुरु हैं वो भी आते हैं भगवान के धाम से भवसागर को पार करते हुए हमारे पास पहुँचते हैं। यहाँ पर भवसागर को तो उस तरफ है ना, वहाँ से आते हैं छलांग मार करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के दो कार्य करते हैं, एक करते हैं हरि कथा, एक करते हैं हरि नाम, ये दोनों। और ये दोनों ही चीज़ें हनुमान जी ने की। हनुमान जी ने पहले आकर के की हरि कथा, श्री राम जी कथा, उसके बाद राम जी का नाम, और यही वहाँ से गुरु करते हैं। गुरु पहले हरि कथा करते हैं, हरि कथा सुनकर क्या होता है डिसाइपल के मन में विश्वास आता है, यस ये प्रामाणिक गुरु हैं। जैसे सीता मैया के मन में जो है ये विश्वास कैसे आया कि ये राम जी के भक्त ही हैं, राम जी के दूत ही हैं, जब उन्होंने हनुमान जी से राम कथा सुन ली। अब जब उनमें विश्वास आ गया उसके बाद फिर नाम भी दिया हनुमान जी ने। तो इस तरह से जो है पहले हरि कथा करते हैं, फिर नाम, और उसका फिर हरि कथा। तो इस प्रकार से ही गुरु करते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी ने भी ये किया, पहले राम जी कथा, फिर राम जी का नाम, फिर राम जी कथा, और उसके बाद फिर राम जी की सेवा। तो इसीलिए गुरु भी यहाँ पर आकर के वही करते हैं। लेकिन इन अ वे देखा जाए सीता मैया इज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ गुरु, और जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी इज प्लेइंग द रोल ऑफ डिसाइपल। सीता मैया जो है पहले परख रही हैं, पहले परख रही हैं कि वाकई में ये प्रामाणिक है कि नहीं है। जिस तरह से गुरु भी होते हैं पहले स्क्रूटनाइज करते हैं कि शिष्य जो है ये प्रामाणिक है कि नहीं है, ये गंभीर है कि नहीं है, ये देखते हैं गुरु। तो उसी प्रकार से जो है सीता मैया जो है दिखा रही, और साथ ही सीता मैया ने अपने व्यवहार से हनुमान जी को ये कन्विंस कर दिया कि सीता मैया के अंदर इतनी भक्ति है कि हनुमान जी भी सीता मैया से प्रेरणा ले सकते हैं भक्ति के लिए। उस तरह से गुरुजन भी इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह से डील करते हैं कि जो शिष्य होते हैं उनके अंदर प्रेरणा आती है कि इनमें कितनी भक्ति है, कब वो समय आएगा मेरे भी ऐसी भक्ति होगी, वाह इनकी कृपा से।
और जिस तरह से हनुमान जी के मन में ये भाव आ रहा था, बस ऐसा हो जाए मेरे को ना पुत्र बुला ले और मैं इनको माते बुलाऊं और ये मुझे पुत्र बुला ले, अगर ये हो जाए ना ये बड़ा अच्छा हुआ। उस तरह से डिसाइपल के मन में भी यही होता है कि बस मुझको मेरे गुरु जो है उनका सेवक रूप में स्वीकार कर लें, उसे बोल दें कि हाँ आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ, आज से तुम मेरे शिष्य हो, बस ये बोल दें, बस गुरु बोल देंगे। तो यही भावना जो है हनुमान जी के अंदर भी थी कि मैया जो है मुझको पुत्र करके पुकार लें ऐसा। तो इस तरह से दोनों ही हमें सिखा रहे हैं गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप। एक एंगल से हनुमान जी इज एक्टिंग लाइक गुरु एंड सीता मैया एज अ शिष्य, और दूसरे एंगल से सीता मैया इज एक्टिंग लाइक गुरु एंड हनुमान जी इज एक्टिंग लाइक शिष्य। और हमने लास्ट टाइम जो है डिस्कस किया था कि जब हनुमान जी से पूछा कि आपका एक्चुअल साइज क्या है, क्योंकि हनुमान जी ने इतना बड़ा साइज करके भी दिखा दिया और इमीडिएटली फिर छोटा साइज भी कर दिया ताकि जो है राक्षसी को देखना ले, क्योंकि राक्षसी हालांकि धोतो हो रखी हैं, पूरी तरह से टल्ली हो रखी हैं, लेकिन फिर भी जो है उनमें से कोई जग ना जाए इसीलिए। तो अपने तो इस प्रकार से फिर उसका सीता मैया ने कहा हनुमान को कि ना अभी 10 महीने तो बीत चुके हैं, 12 महीने का समय दिया रावण ने, इसीलिए अब आप राम जी के पास जाकर संदेशा दो और 1 महीने के अंदर अंदर जो है विजय प्राप्त करके मुझको यहाँ से वापस लेके जाएं। अब हनुमान जी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 महीने का अल्टीमेटम मिल जाएगा, और सोचे 2 महीने तो हमको लगे सीता मैया को ढूंढने में, अब यहाँ से वापस जाना है तैयारी करके वापस, 1 महीने में कैसे होगा ये सब कुछ। तो हनुमान जी ये सब सोच रहे थे अभी, उन्होंने कहा लेकिन भाई जहाँ जब कोई चिंता में हो और वो भी हमारे गुरु के स्थान पर वो चिंता में हो तो उनकी चिंता दूर करना वो शिष्य का कर्तव्य है, बजाय कि बोलना देखिए महाराज आप जो बोल रहे हैं ना वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि अभी हमारा ये जो मंदिर बनना है रुक्मी द्वारकाधीश का मंदिर, महाराज ने बोला था जन्माष्टमी 2020, तो जिस तरह से हिसाब किताब चल रहा है पॉल्यूशन की वजह से मजदूर नहीं आई, अभी कोरोना की वजह से मजदूर नहीं है, लेकिन आज भी अगर वो बोलता है प्रद्युम्न प्रिय पोसे कि प्रभु जी मंदिर कैसे होगा जन्माष्टमी नहीं, अरे क्यों नहीं होगा, महाराज ने बोला है तो होगा, महाराज ने बोला तो होगा। तो सीता मैया ने जब बोल दिया कि नहीं 1 महीने में बस राम जी को बस अरे अल्टीमेटम में आना लेके जाना उनको, तो शिष्य को नहीं बोला देखिए तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, बोल दिया ना अभी करना है अभी। तो इसे हनुमान जी ने वहाँ पर जो है हाल ही देखा ये तो बहुत ही टाइट डेडलाइन है, लेकिन अब सीता मैया ने बोली तो फिर अब करना तो पड़ेगा। अब उसके बाद जो है उन्होंने सीता मैया से और बातचीत शुरू की और सीता मैया को बताया कि मैं राम जी का दूत हूँ, राम जी का दास हूँ, और साथ ही सीता मैया को बताया कि ना नहीं उन्होंने तैयारी पूरी शुरू कर दी है और हमको जो इतना समय लग गया ना वो आपको ढूंढने में लग गया असल में कि आप कहाँ पर होंगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि आप जीवित हैं नहीं हैं, और जीवित हैं तो आप कहाँ पर हैं, इसलिए हमें इतना समय लग गया। तो आपके मन में जो आ रहा बात आ रही है कि इतना समय क्यों लग रहा है राम जी को, राम जी तो एक तीर चला दें रावण के नाम का तो जहाँ कहीं भी रावण को मार के मूर के ले आए मेरे को वापस, तो इसीलिए इतना समय क्यों लगा दिया राम जी ने, बताया मैया आपको ढूंढना था ना इसलिए थोड़ा समय लग गया हम लोगों को। तो फिर अब उसके बाद सीता मैया ने जो है जब काफ़ी संतुष्ट हो गए तो उसके बाद फिर उन्होंने जिस प्रकार से कुछ चीज़ें बताई थी सीता मैया के बारे में, कुछ इंसिडेंसेस बताए थे राम जी ने, तो सीता मैया ने भी कुछ बातें बताई ताकि वो जाके राम जी को बताएं, ताकि राम जी को भी ये विश्वास हो कि हाँ सीता मैया से वाकई में मिले ऐसा। तो सीता मैया ने भी जो है जयंत की जो स्टोरी थी उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, तो जयंत की जो स्टोरी थी वो बताई सीता मैया ने। साथ ही सीता मैया ने बताया कि भगवान श्री राम प्रभु श्री राम इतने शक्तिशाली हैं एक समय कि खर दूषण और उनके साथ आने वाले जो 14,000 सैनिक थे छित्तर काट के रख दिए थे श्री राम ने उनके, ये बात जो है ये भी वो जानती हैं और राम जी जानते हैं और लक्ष्मण जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। साथ ही एक समय ऐसा हुआ था कि सीता मैया थी, सीता मैया ने देखा कि ना उनका सिंदूर का जो डब्बी है उसमें सिंदूर है ही नहीं अब, तो सिंदूर यहाँ था ही नहीं लगाने के लिए, तो फिर वो श्री राम जी के पास आए कि कहते वो सिंदूर तो है नहीं मैं वो भरने के लिए मांग में। तो उसके बाद जो है प्रभु श्री राम ने कहा कि सीता मैया का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके लेकर गए और वहाँ पर एक खनिज की एक चट्टान थी उसमें जो उन्होंने हाथ लेफ्ट हैंड से जो जब ऐसे रगड़ा तो उसका पाउडर बन करके आ गया, पाउडर बन के आया तो उनके हाथ में आया और वो उन्होंने सीता मैया को दिया था और उसमें से लेकर के सीता मैया की मांग भी भरी थी। ये बात सिर्फ राम जी जानते थे और सीता मैया जानती थी। ऐसे एक समय हुआ था कि श्री राम जो है आने में देरी करती थी, शाम को गए थे विहार करने के लिए लेकिन शाम को बड़ी देरी हो गई थी, सीता मैया बड़ा इंतजार कर रही थी सूर्यास्त होने वाला है, बार बार देखें सूर्यास्त होने वाला है, राम जी अभी आए नहीं, सूर्यास्त होने वाला है, राम जी अभी आए नहीं।
तो राम जी जब शाम को जब आए तो सीता मैया जो बड़ी क्रोधित थी कि अरे आपने इतनी देरी लगा दी, आपको टाइम से आना चाहिए, ये सूर्यास्त होने पहले पहले आपको आना चाहिए, सूर्यास्त के बाद कैसे आप आ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ हम थोड़ा सा और आगे निकल गए थे तो इसलिए आने में हमको थोड़ी देरी हो गई। कहने की तो बहुत गलत बात है, मैं आपको बांधूंगी, आपको सज़ा मिलेगी। तो उसके बाद फिर सीता मैया ने कहा कि अपने बालों से जुड़े में से उन्होंने जैस्मिन फ्लावर्स का जो जो पूरी लड़ी थी उसे लेकर के राम जी के हाथ बांध दिए। सजा के तौर पर बंधना होता है, यशोदा मैया जो है कृष्ण को बांध देती हैं, तो सीता मैया ने क्या किया, राम जी को बांध दिया। और राम जी को जब उन्होंने बांधा तो ये जो फूल थे इतने कोमल थे, लेकिन इनसे भी ज़्यादा कोमल थे श्री राम। तो उनके टच में आ करके जो जो फूल थे ना, वो फूल लाल हो गए राम जी के संपर्क में आके। ऐसे उनको लगा अरे हमने तो कोई बहुत ही नाजुक चीज़ हमने छू दी हो, ऐसा। तो जो फूल जो थे वो वहाँ ऐसे हो गए, अरे हम जैसे कांटा अगर किसी कोमल चीज़ को छू ले तो उसको ले अरे यार मैंने क्या कर दिया। ऐसे फूलों को लगा हमने राम जी को छू लिया, अरे ये हमने क्या कर दिया, तो राम जी तो हमसे भी अधिक कोमल है। तो ये जब देखा तो सीता मैया ने तो तुरंत जो है उनका हाथ फिर खोल दिए और फिर श्री राम ने उनका आलिंगन कर लिया था। तो ये जो कुछ लीलाएं थी ये सिर्फ सीता मैया और राम जी के बीच में ही थी। तो ये लीलाएं उन्होंने बताई कि आप जब राम जी से वापस मिलना तो राम जी को आप बताना कि ये सब लीलाएं भी हुई थी, तो फिर राम जी को विश्वास हो जाएगा कि हाँ वाकई में सीता मैया से मिले। और साथ ही उनके बालों में जो कंघा था जिससे ये बालों को बांध के रखा करती थी, वैसे उन्होंने सारे ऑर्नामेंट्स वैसे फेंक दिए थे, लेकिन एक ऑर्नामेंट रखा था कि अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो ये ऑर्नामेंट यूज़ होगा, ये बताने के लिए कि वाकई में सीता मैया का एज अ मैसेज ऐसा। तो इसलिए बालों को जो है जिससे कि वो कोम करके रखा करती थी, वो जो कंघा था वो निकाल कर जो क्लिप होता है वो भी दिया। तो वो भी श्री राम जानते हैं कि ये क्लिप और किसी का नहीं है, ये तो सीता मैया का ही है, तो वो भी निकाल करके उन्होंने दिया। और उसके बाद जो है जब ये लेकर के सीता मैया को उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, सीता मैया से आशीर्वाद लिया। उसके बाद जब हनुमान जी निकल रहे थे तो उन्होंने कहा अच्छा निकलना ही है तो कुछ सेवा हो जाए और थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा करते हैं। देखो हमारा काम तो इतना सीता मैया को मिलना, सीता मैया से मैसेज देना, सीता मैया को मैसेज वापस लेके जाना, ये तो हो ही जाएगा अभी। लेकिन वानर हैं तो वानर वाला कुछ तो कार्य हमें करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सोचा यहाँ ना यहाँ के जंगल बहुत अच्छे हैं, यहाँ के फल बड़े अच्छे हैं, ये फल खाऊंगा मैं, इतने पके पके फल हैं, ये लोग तो दारू पी के धोते रहते हैं, ये लोग कभी ताज़ा फल खाते नहीं, ये लोग ताज़ा फल लेकर के उसे जूस को सड़ा करके उसकी वाइन बना करके पीते हैं ये लोग बांगड़ू, तो ताज़े ताज़े फल खाने चाहिए। पर ताज़े ताज़े फल तो हमारे लिए हैं ये। तो फिर उसके बाद हनुमान जी गए, कई पेड़ों को पकड़ा, ऐसे हिला दिया धर धर धर, तो धर 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 करके गिरने शुरू हो गए और उन्हें फल खाने शुरू हुए। ये सेब खाए, पपीते खाए, अंगूर खाए, और सब जितने तरह के मुंह मिक्स फ्रूट जितने थे उनकी फ्रूट चार बना बना करके खाए उन्होंने। तो कभी पत्तों को खाया, कभी निचोड़ निचोड़े खाए, तो और कुछ आ कुछ तो मस्ती खोरी में आकर के पेड़ वैसे ही उखाड़ दिए, और कुछों को तो तने के साथ ही उखाड़ करके लिया और मुँह में डाल लिया, और यहाँ जो बचा था वो सिर्फ पेड़ की डालियाँ थी, ये फेंक दिया। फिर दूसरा पेड़ लिया, उसको उखाड़ा, उसको मुंह में लिया, तो पेड़ के पेड़ जो थे वो डालियों के साथ यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, और अशोक वाटिका एक तिहाई अशोक वाटिका का ये हाल हो गया था। तो जो है तो एक का जो राक्षसी थी वो उठी, उसने ना इस तरह के पेड़ों की अवस्था देखी कि इस तरह के पेड़ों की अवस्था कैसे हुई है। लेकिन हनुमान जी हैं, हनुमान जी तो भाव आया, वो तो फल खाएंगे खाएंगे जी। और साथ ही उनका एक और जो मंशा थी हनुमान जी को ये थी, देखिए ये रावण की सेना में ताकत कितनी है, थोड़ा एस्टिमेशन लेके चलते हैं। तो राम जी को बताएंगे कि इनकी ताकत कितनी है, थोड़ा वो भी होना चाहिए, तो इससे भी कुछ ना कुछ तो खुराफात हम करेंगे। साथ ही थर्ड लिखे आए ये इतनी खुराफात मचाऊंगा ना निश्चित रूप से रावण के पास मुझे जरूर ले जाएंगे लोग, रावण को मैं राम जी का मैसेज जरूर दूंगा, अरे वापस कर दे सीता मैया को, मरेगा तू। तो क्या है उसको मैसेज भी मिल जाएगा, और साथ ही राम जी के वानरों में कितनी ताकत है ये भी पता लग जाएगा। फिर रावण को जाकर बताएंगे भी हनुमान जी कि मैं तो सबसे टुच्चा घटिया क्वालिटी का वानर हूँ राम जी की सेना में, सारे के सारे मेरे से बढ़िया ही हैं, तो सोच तेरी सेना के साथ अब क्या क्या हुआ है, ये एक ने क्या है वो लोग क्या करेंगे। तो इसलिए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सारे रीजंस देकर के फिर हनुमान जी ने पेड़ों को खाना शुरू किया। और अशोक वाटिका विच वॉज दी मोस्ट ब्यूटिफुल एरिया ऑफ लंका, जहाँ पूरी लंका में लोग मानते थे कि मरने से पहले कभी अशोक वाटिका में जाएं तो तीर्थ हमारा तीर्थाटन हो जाए ऐसा, उसको उजाड़ना
शुरू किया, उसको उजाड़ना शुरू किया, तो सब ने सुन देख रहे थे कि ना पेड़ उखड़ उखड़ के यहाँ गिर रहे हैं, फल गिर रहे हैं, गार्डन तहस नहस हो रहा है, और एक आवाज़ सुनाई दे रही है बस, हरी 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 हरी। तो सब सोचते हैं ये कौन, ये बड़ी अजीब गरीब आवाज़ है, हरी 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 हरी, ये हरी हरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कि तूने सुनी हरी हरी की आवाज़? कहते हाँ मैंने हरी हरी की आवाज़ सुनी। कहते यहाँ से भी आ रही है हरी हरी की आवाज़, वहाँ से भी आ रही है हरी हरी की आवाज़, अरे ये देखो ये भी हरी हरी की आवाज़, अरे वहाँ से, पूरे गार्डन में हरी 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 हरी। सारी राक्षसियाँ क्या कर रही थी, हरी का नाम ले रही थी। तो हनुमान जी ने कहा जितना तहलका मचा रहा हूँ उतना इनको हरी हरी हो रहा है, तो थोड़ा तहलका और मचाते हैं। फिर उन्होंने और तहे उतने और पेड़ उखाड़े, ताड़ तोड़ और तो और हरी हरी, अरे अरे भाई बहुत हरी हरी हो रहे तो, अरे बहुत हरी हरी हो रहा, अरे भाई कम ऑन हरी अब हरी अब, अरे हरी 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 हो रहा पूरे गार्डन के अंदर। अब ये जब हरी 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 सुना तो त्रिजटा बोली, देखा जो मैंने सपना बताया था ना, ये सपना सच होने की शुरुआत है। ये देखो लंका का सबसे सुंदर एरिया अशोक वाटिका, ये तहस नहस हो रहा है, किसी व्यक्ति ने पता नहीं कौन आया यहाँ पर, जिसने कि पेड़ों को ऐसे चबा के ऐसे खाया हुआ है मानो पता नहीं भुट्टा हो, ये हाल कर रखा है। कौन है देखो, यही शुरुआत है लंका की, ऐसी लंका खत्म होने वाली, यही शुरुआत है, मेरा सपना सच होने वाला है। तो राक्षस ने बोला, अरे शुभ शुभ बोले त्रिजटा, ठीक है तुम्हारी सीनियर है, लेकिन शुभ शुभ बोल। कहते क्या शुभ शुभ बोलो, देखो आसपास का हालचाल देखो जरा। इसके बाद जो सारी सारी जब सीता मैया के पास पहुंच गई, कहते अरे ओ सीता कौन है ये? कहते मैंने देखा था इससे बहुत देर गप मार के गया है वो जो भी था ये, और ये खुशी खुशी उससे बहुत बातें कर रही थी उस वक्त, हम तो धुत थी लेकिन मैंने एक आंख से देखा इसको बहुत बातें कर रही है। और मैंने कहा चल तू वहाँ बातें कर रहे, हम तो शराब में पड़े रहे, तो हम तो वहाँ हवा पड़ी हुई थी लेकिन हम सोच रहे थे बहुत बातें कर रही है किसी के साथ, ये वही होगा जिससे बात की है ना, उसी ने ये सारा तामझाम मचा के रखा हुआ है, पक्की बात बता कौन था वो। तो सीता मैंने कहा मुझे क्या पता कौन था वो, जानवर आते हैं पशु आते हैं पशु चले आते हैं, हमारा क्या कि किसी से मैंने बात कर ली होगी, कर ली होगी है थोड़ी है, मैं किससे मिलने वाली हूँ, मैं हम तो किसी से नहीं मिले और क्या, तुम लोगों ने ये प्लान बना के रखा हुआ था कि मेरे टुकड़े टुकड़े करोगी तो कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, तुम्हारे गार्डन के टुकड़े टुकड़े हो गए, तुम्हारे होने बाकी हैं। तो जो राक्षसी थी ना वो घबरा गई। अब देखा जाता है यहाँ सीता मैया ने एक्चुअली झूठ बोला, सीता मैया झूठ बोला कि मैं तो किसी को देखा, तो सीता मैया वाला झूठ क्यों बोला? असल में शास्त्र में आता है कि किन कारणों में झूठ बोलना जो है वो अलाउड रहता है। तो एक आता है विवाह काले, यानी कि विवाह में उस वक्त अपनी वाइफ को रिझाने के लिए या वाइफ को अपने पति को मनाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो अलाउड होता है। सेकेंड प्राणस्थय, यानी कि प्राण की रक्षा करने हेतु, किसी की प्राणों की रक्षा करनी हो तो भी झूठ बोलना अलाउड होता है। रति संप्रयोगे, यानी कि प्रेम में आमोद प्रमोद करते हुए हंसी मजाक करते हुए झूठ बोला जाता है। सर्वधन अपाहरे, यानी किसी की धन की रक्षा करने हेतु झूठ बोला जाता है। मित्र से च अर्थे, मित्र की रक्षा करने हेतु भी झूठ बोला जा सकता है। तो इन कारणों से अगर झूठ बोला जाता है तो उसको अधर्मी माना जाता है। तो यहाँ पर जो सीता मैया ने, उन्होंने हनुमान जी की रक्षा हेतु यहाँ पर झूठ बोला, तो इसीलिए उनका झूठ बोलना गलत नहीं था। इसीलिए जो वहाँ जो जितनी राक्षस थी उन्होंने कहा ये पता नहीं लग तो रहा है हमें कि ना ये बातचीत तो इसने की है। कहता है हो सकता है तूने दारू ज़्यादा पी ली हो, सीता किसी और से क्या बात करी इतनी उदास रहती है। लेकिन जब ये सब आपस में राक्षसियाँ बात कर रही थी तो सीता मैया जो है अंदर अंदर बहुत मुस्कुराई, तो अपना हाथ उन्होंने अपने चेहरे पर रख लिया और अंदर अंदर मुस्कुरा रही। कहते इसको बहुत हंसी छूट रही है, इसको बहुत हंसी छूट रही है, तेरे को जिस वाटिका में रखा ना, देख देख उस वाटिका क्या हाल हुआ हुआ है। तो एक और राक्षसी बोली, लेकिन हैरानी की बात देखो, सारी अशोक वाटिका तहस नहस हो गई सिवाय इस स्थान की जहाँ ये बैठी हुई है। इसका मतलब है जो करने वाला है ना वो इसका पार्टनर ही है। कह तो बता दूँ कौन है वो जिसको तू यहाँ गोपनीय रूप से बुलाई है, क्योंकि सारी अशोक वाटिका तहस नहस मचा के रखा है सिवाय इस स्थान के। पक्की बात कोई ना कोई तेरा ही है वो लगता है, कोई सगा संबंधी तेरा होगा। सीता मैंने कहा मैं क्या जानूं, तुम लोग जानो। तो सीता मैया अब जो राक्षसियाँ थी वो सोच रही थी, या तो ना हम लोग दारू ना कुछ ज़्यादा पी लिया हम लोगों ने उसकी वजह से ना ये हमारा हाल हो रखा है, या फिर वो जो जो कोई भी है ना
उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, क्योंकि उसने इतनी तहस नहस मचाई है और हमको पता भी नहीं चला। आधे से ज़्यादा अशोक वाटिका तहस नहस हो गई। कहते हम लोग दारू पीती हैं, दारू पी के हम लोग बेहोश भी होती हैं, लेकिन इतनी बेहोश हमको पता ही नहीं चला कि उसने इतना उजाड़ दिया आप सारे अशोक वाटिका को। कहते अब क्या होगा? तो कहते हैं ये चीज़ तो देखो, ये रावण को बतानी पड़ी, रीज़न नहीं, अशोक वाटिका उसकी पर्सनल खुद की डिज़ाइन की हुई है, उसने खुद डिज़ाइन किया था इसको, तो इससे ये बात रावण को तो बतानी बहुत ज़रूरी है। तो फिर हुआ क्या, ये सारी सॉरी दौड़ आड़ी टेढ़ी दौड़ती दौड़ती पहुँची, कोई एक टांग पे, कोई दो टांग पे, कोई 12 टांगों पे, सारी वहाँ पहुँच गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, लंकेश्वर की जय हो। अब ये एक एटिकेट था कि कोर्ट रूम में ना ये राक्षसियों को एंट्री नहीं थी, सिर्फ मिनिस्टर्स ही अलाउड होते थे, पर ये आड़ी टेढ़ी सब ये आई वहाँ पर कोर्ट रूम में। तो रावण बड़ा क्रोधित हुआ, तमीज़ नहीं है तुमको, कोर्ट रूम के अंदर जो है कभी भी ये राक्षसियों आना अलाउड नहीं होता, तुम ऐसे कैसे आ गई, किसने अनुमति दी तुमको? कहते हैं महाराज काम ही ऐसा कुछ हो गया है, एक वानर है उसने अशोक वाटिका बर्बाद कर दी, उसने सिवाय जहाँ सीता बैठी थी उसके आसपास का सारा एरिया सारा बर्बाद कर दिया उसने। अच्छा वानर में इतनी ताकत कब से आ गई कि उसने अशोक वाटिका को बर्बाद कर दिया उसने? तो सारी रिपोर्टिंग वगैरह थी। कहता अच्छा सीता कैसी है बताओ, सीता सीता ठीक है ना? कहता हाँ सीता सुरक्षित है, हालांकि सीता सुरक्षित है, और हमें तो लग रहा है कि सीता के साथ ही उसका कुछ कनेक्शन थे, पक्की बात है, क्योंकि सीता को उसने कुछ नहीं किया, सीता ने उससे बातचीत भी किया, पक्की बात हमको लग रहा है, हालांकि धुत थी, हम लोग दारू पी हुई थी। क्या दारू पी हुई थी उन लोगों ने? कहते अब हम सोचते हैं अब इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, सीता को क्या प्रोटेक्ट क्या करें ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग दारू पी के हम लोग रहते हैं। कहता ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही पीता हूँ, पर लेकिन यह है कि थोड़ा कम पिया करो तुम लोग, कम पिया करो। तो डांट वाट लगाई, बहुत शर्मसार हुई कि तुमको ड्यूटी पर रखा, तुमने ड्यूटी पर दारू पीते तुम लोग, डांट लगी राक्षसियों को। उसके बाद जो है उसने कई सारे सोल्जर्स भेजे, पता लगाओ ये हुआ क्या है, कौन है जिसने की आतंक मचा के रखा है। तो करीब 10,000 सोल्जर्स भेजे पता लगाने के लिए। ये 10,000 सोल्जर्स जब गए पता लगाने के लिए कि कौन है जो ये कार्य कर रहा है सारा, तो किसी के मुंह पे जो आधा पपीता पड़ा, किसी के मुंह पे आधा सेब पड़ा, किसी के मुंह पे जो है निचुड़े हुए अंगूर पड़े, किसी के चेहरे पे बीज पड़े, किसी की आँख फूटी। अबे यार कौन मार रहा है यार, आधे अधूरे फल हमारे मुँह के ऊपर, सारे जितने सैनिक थे किसी के चेहरे पे कौन सा फल गिरा है, किसी के चेहरे पे कौन सा फल गिरा हुआ है, ये हाल रखा था। तो कहते हम तो इंस्पेक्शन करने आए थे, क्या मुँह लेकर जाएंगे हम रावण के पास, ऊपर देखा हनुमान जी हैं, वो तो पेड़ उखाड़ कर पेड़ ही फेंक देते हैं, वो तो ऐसा वानर तो हमने देखा ही नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, हनुमान जी पे अटैक कर दिया। अब हनुमान जी पे इन्होंने भाले फेंके, इन पे गदा फेंकी, इनसे लड़ने के लिए आए। हनुमान जी ने अपनी पूँछ ऐसी घुमाई, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उनके वो इसी में ही लिपट करके बंध गए। बंध करके हनुमान जी ने इन्हीं को उनके ऊपर ही वापस फेंक दिया, तो जिसके जिसके थे उसके उसके पास ही वापस आ गए और सबके सब धराशायी पड़े हुए थे। उसके बाद हनुमान जी की पूछ ने क्या किया, सबके हाथों को पकड़ा, जितने भी थे उनके हाथों को पकड़ा, और उनके हाथों को पकड़ करके क्या किया, उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र थे उनके खुद के सर पे मरवा दिए, तो सबके सर जो थे अपने खुद के ही अस्त्र शस्त्र से फूट करके वहीं गिर गए। उसके बाद पूछ छोड़ दिया, तो उनका अस्त्र शस्त्र फिंगरप्रिंट्स किसके हैं जी, खुद ही के हैं, सर किसका है, खुद ही का है। ऐसे कई हजारों सैनिकों के सर मलिदा बन करके वहां पड़े हुए थे। एक आम हनुमान जी पूछ नहीं कर दिया सिर्फ ऐसा, और जो भी कहा जब भी कर रहे थे तो कह रहे थे जय श्री राम जय श्री राम, अभी चल रहा था बस जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर करके जो है मलिदा निकाल देते। ये बात पता लगी एक, और एक को छोड़ दिया कि जा तू तो रिपोर्टिंग देके आया रावण को जा। वो पहुंच गया, महाराज महाराज 10,000 का तो मलिदा निकल गया। अच्छा फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? कहते उनके मारने वालों के हाथ के, उनके हाथ से उन्हीं के सर पे फुड़वा करके फोड़ दिया उन लोगों को। अच्छा इतना शक्तिशाली है वानर ये, 80,000 सैनिकों को बुलाया कि देखो ये कौन है। तो 80,000 जो थे ये लोग भी गए, इनकी पिटाई ऐसी होनी शुरू हुई, इनको हनुमान जी ने बहुत पीटा, इनको आपस में भिड़ा दिया।
हजार यहाँ पकड़े, हजार यहाँ पकड़े आपस में, और जब जब हाथ छोटा नीचे मलिदा था इन लोगों का ऐसा। तो ये बात जब ये 80,000 थे फिर घबरा गए, इनमें कुछ तो मारे गए, बाकी जो थे भागने लगे। ये पहुँचे मार कि अरे हे लंकेश्वर, वो तो बहुत शक्तिशाली है, वो तो ऐसे सख्ता जूस निकाल रहा है वो तो। कहते अच्छा, तो रावण ने क्या किया, अपना जो सेनापति प्रहस्त के का बेटा था, उसका नाम था जम्मू मालिक, उसको भेजा। अच्छा जम्मू मालिक कहाँ पर रहेंगे, जम्मू मालिक जो है वो उसके लिए एक तालाब बना के रखा था रावण ने, दारू का तालाब, उसी में वो स्विमिंग करता था, और स्विमिंग करते करते पी भी लिया करता था, और वहीं पर ही पी करके वो पड़ा हुआ था। तो जब होश में आता था फिर पी लेता था, फिर वहीं पर स्विमिंग करता, तो ये उसका हाल था। तो उसके पास जो है कुछ सैनिक वगैरह पहुँचे, और उसके पास पहुँचे, कहते हैं जम्मू माली उठना नहीं है, अरे कब उठोगे, अरे भाई कहते तो भाई तू धुत्ते यार, वहाँ वो बानर ने हमारी ऐसी तैसी मचा रखी है, ये जम्मू माली देखो। तो फिर वो एक जड़ी बूटी लेकर के आया, उसको नाक में सुखाई, तो वो होश में आया, ऐह किसने सुखाई मेरे को, ये किसने उतारी मेरी दारू। कह सर वो रावण ने बुलाया आपको, अशोक वाटिका नष्ट हो गई है। अरे क्या, तो फिर जो है तुरंत वो अपने कपड़े वपड़े थोड़ा टाल डूल करके फिर रावण के पास होता, जी महाराज, कहते ये कोई वानर है, जाओ देख कर आओ क्या चक्कर क्या है, ये 80,000 सैनिक हैं, ये भी तुम्हारे साथ हैं, जाओ उस वानर को पकड़ करके लेकर आओ मेरे पास। वहाँ पर जम्मू वाली पहुँच गया, जम्मू वाले ने क्या किया, ललकारा हनुमान जी को। हनुमान जी देख रहे थे उसको, अरे वाह बड़ा प्यारा है, तो है बड़े प्यारे प्यारे बच्चे रखे हुए उन्होंने यहाँ पर रावण ने अपने यहाँ पर। तो जम्मू वाले ने क्या किया, तीरों का फुहार मतलब पूरा ढक दिया हनुमान जी को। तो हनुमान जी बोले कैसा लग रहा है तुमको ऐसे मेरे को तीरों से ढक करके, कहते और क्या, जो यहाँ पर उत्पाद बचाता है उसके साथ हम ही हर्ष करते हैं उसका। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने अपनी बॉडी से अकड़ाया, और जितने भी सैकड़ों तीर थे उनके शरीर से निकल करके बाहर गिरे सैनिकों के ऊपर जाके गिरे सारे तीर। तो कुछ जो थे उस पहाड़ के नीचे ही दब गए तीरों के। जम्मू वाले ने कहा अरे हमने करोड़ों तीर भोग दिए होंगे इसको, और उसको एक करके सारे निकाल दिए और एक खरोंच नहीं आई हुई। हनुमान जी जो है जम्मू वाले को देखने कहते हैं जम्बू जामुन, कहता है हम मान रहे हैं हमको जामुन बहुत पसंद है, कहते तो मुझे बहुत पसंद आ गया तो मेरे को भी। कहता अरे हमारा नाम है जम्मू वाली, लेकिन ऐसा नहीं हम जामुन की शेप की हैं, हम बड़ी शेप भी ले लेते हैं। तो उसने एकदम से ना अपना रूप बड़ा करना शुरू कर दिया, बड़ा करते 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 अपना फुल साइज़ कर दिया उसने, अपना फुल साइज़ कर दिया। तो हनुमान जी जहाँ उसे घुटनों के सामने आ रहे थे, कहता क्यों हनुमान कैसा लग रहा है मेरा साइज़। हनुमान जी ने कहा पलक झपक, जिसने पलक झपकी ना, तो उसने जब पलक खोला तो उसको ना दो गोले नजर आए बस। यार ये क्या है, अभी तो यहाँ पर हनुमान यहाँ वो वानर था, लेकिन अभी दो गोले क्या नजर आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा अब ऊपर देख, उसने ऊपर देख, ओले ये जो दो गोले थे ये असल में हनुमान जी के घुटने थे। वो हनुमान जी के घुटने देख के कहता कहता और बड़ा तो अपना, कहते मेरा तो इतना ही होता है। उसके बाद जो है जम्मू मालिक को खिंचा के घुसंड दिया मुंह पे, तो घूम गया वो। उसके बाद से हनुमान जी ने क्या किया, उसकी नाभि पे अपनी ये उंगली लगाई और उसको ऐसे घुमा दिया। अब जम्मू मालिक दर 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 घूम रहा है, तो फिर और हनुमान जी जिसको ऐसे घुमा रहे हैं, और सैनिक को बोल रहे तेरे पे फेंकू, कहते नहीं कहले तेरे पे हो। फिर कन्नी की तरह जो है जम्मू मालिक को अपनी इस उंगली पे घुमा रहे, तेरे पे फेंकू तेरे पे फेंक दूँ मैं, तेरे पे फेंकू। तो सारी जो सेना थी उनमें हाहाकार मचा हुआ था कि जम्मू मालिक को तो हनुमान जी उसकी नाभि पे उंगली लगा करके घुमा रहे हैं उसको, और तैर देना जमीन पे। जब पड़ा तो सर का मलिदा, शरीर का मलिदा, हड्डियों के चकनाचूर, वो पाउडर बन करके, फिर जिक्सो पजल हो गया था, पहचानिए
बाजू को यहाँ लगाइए, पाँव कहाँ है, पाँव 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 लगाओ, पाँव कहाँ है, असर कहाँ है। सो इट ही बिकेम जिग्सॉ पजल फॉर एवरीवन। अरे भाई जम्मू माले का ये हाल हुआ है। तो ये खबर जब पहुंची तो बहुत ही दुखी होगा। सबसे ज़्यादा दुखी था प्रहस्त कि मेरे बेटे की नाभि में उंगली लगा करके फिरकन्ने की तरह घुमा करके मारा उसने, और मेरे बेटे ने पूरा साइज ले लिया था उसने, फिर भी उसका यह हाल हुआ है। तो प्रहस्त जो था वो सेनापति रावण का, ही वॉज वेरी 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 सैड, बहुत दुखी हो रखा था वो। और साथ ही जो है हनुमान जी ने जब घुमा भी रहे थे तो राम जी का नाम ले रहे थे, कहता राम का नाम ले ले, राम का नाम ले ले तो फिरकन्नी घूम रहे, अब ये क्या मत कर, बोल राम का नाम ले ले, जम्मू माली बोल राम का नाम ले ले, राम तो इस तरह से राम का नाम लेके मरा था जम्मू माली। हाँ तो उसको बोल दिया बेटा राम का नाम ले, तो मरना तेरे को है ही है, राम का नाम ले ले और क्या। तो घुमा करके इस तरह से उसका कल्याण कर दिया। उस अब ये खबर जब पहुंची रावण के पास और देखा प्रहस जो है रो रहा है, मेरा बेटा जम्मू माली मेरा बेटा, तो वो उसके आंसू आंसू पोछे, कहता चिंता मत करो प्रहस, वो शूरवीर था, कहता शूरवीर एक वानर के हाथों मरेगा मेरा शूरवीर है, और इतनी बेइज्जती के साथ मरेगा है, उसकी नाभि में उंगली लगा कर घुमाया जब मारा बहुत दुखी था प्रहस्त तो बेचारा। तो उसके बाद फिर रावण ने क्या किया, रावण ने 7 आर्मीज और भेजी, उनको तैयार करके भेजा, उनके साथ सैकड़ों और वो भी थे और सैनिकों के साथ, और ये करके उनको भेजा उनके पास। अब ये जो सारे सारे पहुंचे, अब ये जो 7 सेना वाले थे, 7 ग्रुप्स थे, इनके कमांडर्स थे, दे आर ऑल वेरी पावरफुल। लेकिन हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी को चारों तरफ से इन्होंने ये घेर के आए, 7 जो ट्रूप्स थे आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चारों तरफ से हनुमान जी को इन्होंने घेर लिया। अब इसके बाद हनुमान जी ने अपनी सिर्फ पूंछ हवा में घुमाई और उसको नीचे लेकर के आए, नीचे लेकर के आए, जितने 7 कमांडर से उनके सर कटते चले गए, तर 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 तर, तो जो कमांडर से उनके सर गिरे हुए थे नीचे। अब हनुमान जी ने क्या क्या कहते हैं, हो उसे पता नहीं लग रहा है किसका सर कौन सा है, तो इसका सर इस पर फिट कर दिया, इसका सर इस पर फिट कर दिया, और सैनिक बोला ए अपना भाला दे, है भाला दे, तो भाला दे दिया, भाला लेकर के ये उसका शरीर था, इस पे सर किसी और का लगाया, इस पे सर पे भाला लगाया, कहता हाँ अब ये सर जुड़ गया है, देखिए इसको रथ पे लगाया, फिर दूसरी इसकी बॉडी उठाई, सर इसका उठाया, इसके सर पे लगाया, कहते अपना भाला दे, भाला दे, भाला लेकर के उसको जोड़ा, जोड़ा उसको फिर रथ पे रखा, इस तरह से जो 7 थे उनको उनका जोड़ा बना करके, सर इसका शरीर उसका जोड़ जोड़ा करके इनको रथ पे रखा, इनको बांधा, कहते हैं इनको पूरे सम्मान के साथ रावण की राजसभा में लेकर के जाओ, है कहते तेरे को भी करूँगा नहीं। तो जितने राक्षस थे वो अरे उनके साथ ये हाल रखा था, ये सारे के साथ थे, सारे दौड़ते भागते ही फाइनली पहुँचे रावण के पास, कहते सर ये जिग्सॉ पजल जो है इसका सर उसके शरीर में, इसका शरीर उसका सर। रावण ने ये हाल देखा और पता लग गया भाई ये कोई साधारण नहीं है कुछ। उसके बाद अपने 5 और कमांडर्स भेजे, वीरूपक्ष यूपक्ष धुरधर और प्रघास और भास्कर्ण, इनको भेजा। जब ये लोग आए तो ये लोग जब आए तो उसके बाद तो हनुमान जी ने जब इनको मारा तो आर्मी को पता नहीं चला कब कितनी जल्दी कौन मर गया। जो 3 थे वो सोचते थे, कहते हैं विरूपक्ष है कहाँ पर, कहते विरूपक्ष हमारे साथ आया था ना, कहते हाँ आया था, क्या दिख क्यों नहीं रहा वो। तो उनके आगे आके गिर तो उसकी डेड बॉडी गिरी यहाँ पर, और विरूपक्ष बोला मैं यहाँ हूँ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था, तो शुरू से पहले मर गए। तो इस तरह से यूपक्ष भी आया, यूपक्ष के साथ भी यही हुआ, और बाकी जो 3 थे उनको भी हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटा और पूंछ में लपेटे उनको घुमाया, बोलो श्री राम, कहते नहीं बोलेंगे, फिर और तेज घुमाया, बोलो श्री राम, नहीं नहीं बोलो श्री राम, श्री राम ये लो फिर तुम, और वो समुद्र में जा करके फेंक दिया वो लो जी। उसके बाद वो आ ही नहीं पाए, किस चट्टान से उनका सर टकराया, क्या हुआ, अरे सर वो कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं बेचारों की। तो इसलिए 5 के 5 ये जो थे दे वर सो वैलियंट, लेकिन ये
इनको हनुमान जी ने आराम से मार दिया। अब जब ये खबर पहुंची रावण के पास, मैंने कहा मैंने सुग्रीव के बारे में सुना है, मैंने वाली के बारे में सुना है, ये ना उनसे लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर वानर आ गए गलती से। ऐसा इतना शक्तिशाली वानर भला कैसे था, वानर वानर होते हैं हालांकि, ऐसा कैसे। उसके बाद जो है ये, और उसके बाद जो और 80,000 जो सैनिक थे उनको भी मार दिया हनुमान जी ने। अब तो मतलब रावण की बुद्धि घूम गई भाई, इतनी ज़्यादा बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी, इतने क्रिएटिव वे में बेइज्जती करना, वाह। इसके बाद फिर रावण ने भेजा अपना बेटा अक्षय कुमार, यानी ये बॉलीवुड वाला नहीं है अक्षय कुमार, उनके बेटे का नाम है अक्षय कुमार, इमॉर्टल, अक्षय मतलब इमॉर्टल। तो अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार अपने पूरे कवच वगैरह पहन करके, अपने खूब अस्त्र शस्त्र लगा करके, और इसका जो रथ था उसमें घोड़े नहीं थे, बब्बर शेर थे, 4 बब्बर शेर वाला इसका रथ था अक्षय कुमार का, रावण का बेटा है भाई, स्टाइल है। पहुंच गया, कहाँ है वो वानर। हनुमान जी जो है बैठे हुए हैं और शहतूत खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं। कहते हैं अरे कि बच्चों को भेजना शुरू कर दिया रावण ने, अब ये इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं भेजने के बाद कि बच्चे को भेज दिया। उसके बाद जो है अक्षय कुमार ने कहा अरे मैं कोई साधारण योद्धा नहीं हूँ, मैं हूँ अक्षय कुमार। अच्छा तेरा बॉलीवुड में हो गया तेरा है। उसके बाद जो है इसने इतनी तीरों की बरसात कर दी हनुमान जी के ऊपर, और हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ऊपर से सारे जो तीर लगे हुए थे हनुमान जी ने फूंक मारी और जितने तीर थे सबके सब नीचे गिर गए। वंस अगेन एक और बार करना, तो उसने दोबारा तीर निकाले, उसने दोबारा तीर निकाले। अब इस बार तो तीर हवा में थे और हनुमान जी ने फूंक मारी, वो तीर हवा में ही मिट्टी के ईंटों के नीचे गिर गए। इसके बाद फिर हनुमान जी ने अक्षय कुमार के पाँव पकड़ करके उसको यहाँ पटका तुड़, और यहाँ पकड़ा ताड़, हाथ पाँव सबका मलिदा निकल गया अक्षय कुमार का, अक्षय क्षय हो गया। ये संसार में ऐसे ही होता है, नाम और नामी में भेद होता है ना, नाम है अक्षय, ये देखो ये अक्षय का क्या हुआ, ये सो सैड। मैं बहुत ही बदसूरत आदमी से मिला था मैं साउथ इंडिया में, उसका नाम था सुंदर, नाम कुछ और, नामी कुछ और, तो अमर, कितने लोग मर जाते हैं उनका नाम क्या था, अमर खन्ना, कहते ओहो अमर जी मर गए, सो सैड। दूसरे संसार में नाम और नामी में भेद है। तो अक्षय कुमार के साथ ही हुआ, आया था शेरों के साथ, और शेरों को तो हनुमान जी ने आपस में जोड़ करके मलिदा निकाल दिया, पहचानो ये कौन सा जीव है ये। तो इसीलिए सारा जो रथ था वो भी तहस नहस कर दिया, एंड दैट फेज साहब। तो अक्षय कुमार के जब बारे में जब सुना, अरे जो हाल प्रहस्त का था वो हाल रावण का हो गया। दोनों के बेटे गए, उनका बेटा गया जम्मू वाली, इनका के बेटा गया अक्षय कुमार। इसके बाद तो अब रावण को बहुत गुस्सा आया, उसने अपना को संभाला, इमोशनली बहुत डाउन हो गया बेचारा रावण। उसने बोला अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जो कि इंद्रजीत है, जिसने इंद्र को जीता हुआ है, वो कौन, मेघनाथ। यस मेघनाथ द ऑल्सो लाइक दिस, मेघनाथ के रथ में तो 10 बब्बर शेर हुआ करते थे, एंड ही हैड ह्यूज रथ, सब प्रकार के अद्भुत तीरों से और अस्त्र शस्त्रों से लदा हुआ था उसका ये रथ। तो ये पहुंच गया, जब पहुंचा हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी जो है अपना आराम से, हनुमान जी को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि एक दो जगह जो घाव वो रखे हैं उनके, वो बल्कि श्रृंगार की तरह प्रतीत हो रहे हैं हनुमान जी में, और घाव उनके ऐसे भर रहे हैं मतलब आंखों देखते देखते भर रहे हैं, जैसे यहाँ ब्लड निकल रहा है अभी, ऐसे ऐसे भर जा रहा है, भर गया। इतनी क्विक हीलिंग, और है कौन ये, मुस्कुरा रहे हैं हनुमान जी। और रावण की एक तिहाई सेना को उस वक्त हनुमान जी ने ख़त्म कर दिया था, जस्ट कि देखने के लिए कि अच्छा देखिए रावण के पास कितनी ताकत है,
उसमें 1/3 आर्मी हनुमान जी खत्म करी थी. सो दैट फेज. अब उसके बाद जब अटैक हुआ जब इंद्रजीत की तरफ से, तो फिर इंद्रजीत भी सोच रहा था कि ना ये अब ये व्यक्ति ये वानर जैसा दिखता है. तो उसको याद आया कि उसके भाई ने बताया था कि मैं एक समय नंदी के पास गया था, नंदी वानर जैसा दिख रहा था, और एक समय नंदी ने बोला था एक समय वानर आएंगे ना तेरे को बर्बाद कर देंगे वानरों की सेना. कहता है ये उसी वानर सेना की शुरुआत तो नहीं है. कहता कोई बात नहीं, लेकिन इस वानर से तो अभी निपटते हैं अभी हम. उसके बाद देन सो मेघनाथ उसके बाद आए एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग विद हनुमान जी. अब हनुमान जी जो है, हनुमान जी ने इसके भी सारे अस्त्र शस्त्र ध्वस्त कर दिए मेघनाथ के. मेघनाथ का भी ऐसा ही था कि अब उसके पांव पकड़ करके बस अब तड़ करना ही था, या फिर उसका सर घुमा करके तोड़ना था, क्योंकि ये किसी अमरूद से ज़्यादा कुछ नहीं थे सारे के सारे हनुमान जी के आगे. फाइनली सारे अस्त्र शस्त्र जब फेल हो गए, उसके बाद जो सबसे शक्तिशाली वेपन था मेघनाथ के पास वो था ब्रह्मास्त्र. तो ब्रह्मास्त्र जो है उसने ब्रह्मा जी का स्मरण किया, और ब्रह्मा जी का जब नाम ले रहे थे वो, तो हनुमान जी ने कहा अरे तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का अस्त्र है. हालांकि ब्रह्मा जी का अस्त्र का भी हनुमान जी प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को ये वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी से भी कि इवन मेरे ब्रह्मास्त्र का भी आप पर प्रभाव पड़ेगा नहीं. तो इसीलिए वो जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का भी मेरे पे प्रभाव पड़ेगा नहीं. लेकिन ऐसा करता हूँ, एक तो सम्मान देना चाहिए, ब्रह्मा जी का अस्त्र है हालांकि इसका प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ेगा, सम्मान देना चाहिए. लेकिन इसी बहाने ना मैं रावण के पास पहुँच जाऊँगा. तो मेघनाथ ने जब हनुमान जी के पास के ऊपर फेंका ब्रह्मास्त्र, तो ये जो ब्रह्मास्त्र था उसने कॉयल बना ली हनुमान जी की ओर, और हनुमान जी जो है हाथ जोड़ा, उन्होंने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के अस्त्र को, और फिर पांव तक अच्छे से बांध दिया. उस हनुमान जी का बंद तो गया, लेकिन सिर्फ ऐसे खड़े खड़े प्रणाम करना काफ़ी नहीं रहेगा, हमें झुक के प्रणाम करना चाहिए. उसका हनुमान जी गिर गए, और गिर करके उन्होंने नीचे ज़मीन पर दंडवत किया. इसके बाद जो थे उनको घसीट करके लेके जाने वाला था, अरे घसीटने की जरूरत नहीं है, साथ साथ चलते हैं आपके और क्या. तो हनुमान जी खड़े हो गए उनके यहाँ पे, वो बंधे हुआ ब्रह्मास्त्र से. तो लोग बोल रहे थे अच्छा वानर है, रस्सी से ही बंधना था इसको. हाँ, तो अपने घरों से लंकावासी आकर रस्सियाँ देने लगे, कहते ले लो जी और रस्सी ले लो आप, ये लो और रस्सी ले लो आप. तो मेघनाथ ने कहा रस्सी से नहीं बनता ये, घर पर ले जाओ अपनी रस्सियाँ, ले लो अगर आप और रस्सी चाहिए तो. अच्छा भाई ये ब्रह्मास्त्र है ये, और ये ओली रस्सी है. अच्छा अच्छा ये सर हमारी बहुत मजबूत है वैसे, इस पर कपड़े सुखाते हैं हम लोग बहुत बढ़िया, ये वाली. अच्छा मैं दफा हूँ. तो इस तरह से खींच खाँच करके ये पहुँच गए. अब ये अब रावण के पास पहुँचे, रावण ने जब देखा कहता बड़ा ओजस्वी तेजस्वी है ये, तो क्या ताकत होगी इसके अंदर, इसने मेरी एक तिहाई सेना को आज ही आज में घंटों के अंदर ख़त्म कर दिया इसने. और ये सब करने के बाद इसके चेहरे पे कोई थकान भी नहीं है, घर में कुछ हाँफ रहा हो, हाँफ भी नहीं रहा, और मुँह से इसका जो है निकल रहा है जय श्री राम जय श्री राम. वो मुस्कुरा भी रहा है, और सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, टॉन्टिंग में भी देख भी रहा है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम. कहते हैं अरे यार थकान भी नहीं है, मुँह पे श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोले जा रहे हैं. तो रावण को जो है धक्का उसको कि ना ये वही है, नंदी ने जो श्राप दिया था उसकी शुरुआत लगता हो चुकी है. इतना ही, मेरे पे ना श्राप काम करते हैं ना मेरे पे आशीर्वाद काम करते हैं, मेरे पे दोनों ही काम नहीं करते. कई लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए, तेरे को सद्बुद्धि मिल गई, नहीं मिली. इस तरह से श्राप भी काम नहीं करते, मैं दिव्य हूँ. तो उसके बाद जो है फिर उसको पूछना शुरू किया कौन है तू, अपना परिचय दे. तो फिर हनुमान जी ने कहा मैं श्री राम का दूत, श्री राम का दास, मेरा नाम है हनुमान. अच्छा तो तू वानर है? हाँ बिल्कुल, वानर जाति से है बिल्कुल. अपने वाली का नाम सुना है? वाली कहता वो किष्किंधा वाला, मैं वहीं से हूँ. वो जो वाली है ना, उसको श्री राम ने एक तीर में मार दिया. वो आपको याद है जिसने आपको घुमाया था, आपको अपनी पूंछ में घुमा करके वो चार समुद्र की गायत्री करके आया था, है ना, ओला वाली, उसको राम जी ने मार दिया था. वो मेरे जो मेरे प्रभु श्री राम है ना, उन्होंने मार दिया. वो खरदूषण नहीं थे, वो आए थे हमने 14,000 सैनिकों के साथ, उनकी बहुत बेइज्जती करके उनको मारा. मैं उनकी सेना का सबसे तुच्छ वानर हूँ,
ये बता रहे हैं। और साथ साथ में क्या है, देखो सीता मैया का तो तुम्हें हरण करके आए, हालांकि तुमको सीता मैया बोलती रही कि भाई लड़के लेके जाओ ना, ऐसे क्या लेके जा रहे हो, लेकिन तुम लेके चले गए थे। अब राम जी पूरी वानर सेना के साथ आ रहे हैं, उनकी वानर सेना में जो है 10 महाऔघ और 1 करोड़ कोटि और 100 महासमुद्र, और पूरी रिपोर्ट दे दी। इतने वानर सेना के साथ तेरी लंका पे धाव बोलने के लिए राम जी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मौका है तो सीता मैया को वापस कर दे। राम जी बहुत दयालु हैं, मेरे प्रभु श्री राम, इसीलिए अगर तू सीता मैया को वापस कर देगा, उनके चरणों में गिर जाएगा, मैं पगलाट हो गया था, मुझे कुत्ते ने काट लिया था, मुझको रेबीज हो गया था, मैं सीता मैया को उठा लाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, राम जी माफ़ कर देंगे। राम जी बहुत दयालु हैं, इसीलिए बेस्ट तेरे लिए रहेगा तो कहना मान ले, सीता मैया को वापस कर दे। अब ये सुन करके तो रावण की मतलब एकदम बुद्धि घूम गई, कहते क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई सच बोल रहा हूँ मैं, मैं राम जी का दूत हूँ, हालांकि मैसेज तो मेरे को सिर्फ सीता मैया के पास पहुँचाना था, लेकिन तेरे भले के लिए चल तेरे को बता रहा हूँ, तू अभी भी श्री राम के शरण में चला जाएगा ना, यहाँ बस तू चिट्ठी लिख दे, बस रेस्पेक्टेड श्री राम, आउट ऑफ माई फुलिशनेस मैं मूर्तापूर्वक ये कार्य करके सीता मैया को उठा के ले आया, मैया जरूर चली गई उसके अंदर, ठीक है ना माता जी, उसमें जरूर लिखना उसके अंदर, आपका मूर्ख सेवक रावण, ऐसे लिख दे लेटर में पहुँचा दूंगा, कुछ नहीं होगा, सीता मैया को हम ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, कर ले। बोले भाई रावण ने कहा इतनी ज़्यादा दुस्साहस, हनुमान ने कहा देख भाई तू सीता को रखा है, तू ना खत्म हो जाएगा, तेरा पूरा लंका खत्म हो जाएगी, किसी व्यक्ति का डाइजेशन कितना अच्छा हो, जहर खा लेता है मर जाता है वो, इस तरह तू सीता मैया को जो लेकर के आया ना, तो तू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा तू, किसी व्यक्ति ने कितने पुण्य किए हों, लेकिन जिस तरह सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं अपराध करने के बाद, उस तरह से तूने सीता मैया का अपहरण करके ना, जो इतने पुण्य अर्जित किए ना इतनी तपस्या वगैरह कर करके, इस सब के सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए सूझबूझ का इस्तेमाल कर ले। कहता अच्छा वानर, हालांकि तू बंधा हुआ है फिर भी तेरा इतना दुस्साहस। हनुमान जी ने कहा ये ना ब्रह्मास्त्र ना, इसका बंधन कुछ नहीं है, ये देखो ऐसे छिटका छिटक के ब्रह्मास्त्र खुल गया उनके आगे से, कहते देखो खुल गए हम ये ब्रह्मास्त्र, ये तो हम ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का सम्मान करें तो हम बंध गए, हम ब्रह्मास्त्र नहीं बांध सकता। और रावण के लिए इट वॉज शॉकिंग, अरे ब्रह्मांड के अंदर कौन है जो ब्रह्मास्त्र को खोल दे, और ब्रह्मास्त्र को तो ऐसे झटका मार के खोल दिया उन्होंने। तो हनुमान जी नाउ ही वॉज फ्री, कहते किससे बांधोगे हमें। उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया, अपनी जो पूंछ थी उसका कॉयल बनाना शुरू किया, कॉयल बनाते 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 कॉयल इतनी ऊंची कर दी कि रावण के सिंहासन से ऊपर थी हनुमान जी गद्दी, तो उस पर जाके हनुमान जी बैठ गए। कहते हैं वास्तव में तुम्हारा स्थान तो इतना निम्न है रावण, कि तुमको जो है सर उठा करके राम के दूत से बात करनी चाहिए, और तुम्हारा स्थान इतना निकृष्ट है कि हनुमान जी की वानर सेना का सबसे तुच्छ जो वानर है वो भी जो है तुमसे ऐसे ही बात करना चाहिए, और तुमको ऐसे बात करनी चाहिए, जिससे आई एम जस्ट रिपोजिशनिंग माई सेल्फ। जैसे हनुमान जी ने ये पूंछ जो है कर कोयल करके उसके ऊपर बैठ गए। हनुमान जी कहते अब बात करते हैं, अब बढ़िया हो गया, हम ऐसे बात करेंगे तुम ऐसे बात करोगे। ते क्या हैरान रह गए वो, रावण कहता हरगिज नहीं, भले तुम कितना ऊंचा ऊपर बैठ जाओ लेकिन स्थान तो हमारे ऊंचा रहेगा। कहते हैं तुम्हारे स्थान की देखो क्या, तुम्हारा स्थान का क्या हाल किया मैंने वो तुमने अभी देख लिया है, ठीक है ना, तुम्हारे पूरी लंका का सबसे सुंदर एरिया अशोक वाटिका तूने डिज़ाइन किया था ना, तूने खुद डिज़ाइन किया था, अब देख मैंने नया डिज़ाइन दिया उसको, कुछ कर पाए, तेरे बेटे का मैंने मलिदा निकाल दिया, मैंने सबको मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाया, किसी का डोसा बनाया, किसी की इडली बनाई, कुछ हो पाया नहीं ना। सोचो राम जी के सबसे तुच्छ वानर ने तेरा ये हाल किया, तो फिर तो ऐसे भी ना मतलब छोड़ा हो रहा है यार तू, तो अभी भी कहना मान ले। देख मैं तेरे को एडवाइस दे रहा हूँ, जो गुरु होते हैं ना ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, इसलिए मैं ऊंचे स्थान पर बैठ कर तेरे को बता रहा हूँ, समझ जा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर। ये सुनकर के रावण बिकेम आउटरेजियस वेरी एंग्री, तो आसपास जितने भी और सैनिक वगैरह देखे थे कहता आक्रमण करो इसके ऊपर।
हनुमान जी ने कहा तू थोड़ा ध्यान दे, मेरे को ब्रह्मास्त्र नहीं बांध पाया, ये चिलगोजे क्या करेंगे तेरे, ऑलरेडी मैं लाख से ऊपर चिलगोजों को मार चुका हूँ, ये चिलगोजे तो और मरवाने तेरे को चिलगोजे। तो सब ने जो है जब अटैक, तो तलवार वलवार जब निकाल ली कि नहीं हम अटैक करेंगे हनुमान जी के ऊपर, फिर वहाँ विभीषण जी की एंट्री हो गई। और विभीषण कहते देखो ये जो दूत आया होता है दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, दूत के दूत को बल, दूत का आप कुछ गलत सलत सुना सकते हो, उसकी इंसल्ट कर दिया आपने, चलो आप शब्द सुना दिए उसको, लेकिन दूत के साथ हम दूत को मार नहीं सकते, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। हनुमान जी ने पहली बार शब्द सुना धर्म लंका में, कहते अच्छा ये शब्द भी यहाँ इस्तेमाल होता है, कहते ये अच्छा है, सज्जन पुरुष क्या है, सिर्फ रूप रंग से राक्षस हैं लेकिन वाणी जो है बड़ी सज्जन है और धर्म की बातें कर रहा है। और साथ ही विष्णु ने कहा देखो रावण अगर तुम ना दूत को मारते हो ना जिंदगी तुम्हारी दुनिया में इतनी बेइज्जतियाँ होंगी, सारे मीडिया हाउसेस लिखेंगे रावण ने दूत को मारा, कहाँ रावण की क्या इज्जत है और क्या इज्जत मरीदा मिल जाएगी, लोग कहेंगे ओ रावण ने दूत को मार दिया, रावण दूत को मार दिया, ओ सोचो लोग थू थू करेंगे रावण के दिव्य नाम के ऊपर। अभी विभीषण ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली, है तो राम भक्त है वैसे तो, फिर एक बार तो विभीषण जी नाम लेते राम राम राम, रावण ने एंट्री कर दी, कहते तू मेरे दुश्मन का नाम ले रहा, तू मेरे दुश्मन का नाम ले रहा, तू मेरी लंका में होकर के इतनी जुर्रत। तो विभीषण कह रही है सरप्राइज एंट्री कैसे मार दिए भाई ने आज यहाँ पर, कहते अरे मैं तो सोच रहा था भाई तेरा नाम इतना अच्छा है रावण और साथ साथ में मंदोदरी, तो रावण का रा मंदोदरी का म हो गया राम, मैं तो तुम्हारा नाम ले रहा हूँ भैया। कहते अच्छा ओ मैं समझ नहीं पाया, मैं कहूँ तभी क्यों राम राम बोल रहा, कहते राम मतलब भाई राम मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी। कहते अच्छा पहले बताना था यार भोपड़े आते, ए सुनो लंका की दीवार पे लिखाओ राम, रा से रावण म से मंदोदरी। सो दैट मीन्स विभीषण वॉज वेरी एक्सपर्ट हाउ टू डील विद एंग्री ब्रदर, तो इसीलिए जो है विभीषण ने बोला अरे देखो भाई मारना है ना, अरे वो मनुष्य जो आ रहे हैं वानर सेना के साथ उनको कछुआ निकालो, उनका कितना बताया था इतने औग इतने समुद्र इतने वृंद बता रहे थे ना ये हनुमान, उनको मारेंगे ना हम तो पता लगेगा दुनिया को कि रावण भी कोई चीज है, हाँ इसको मार के भला क्या होगा। देखो ये है समझदार व्यक्ति वाकई, तो ये फीडबैक देने का तरीका है, व्यक्ति की ईगो भी सेटिस्फाई कर दो मैसेज भी दे दो उसको, उसमें ग्लोरीफाई भी कर दिया उसको, साथ में उसको जो हनुमान जी के प्रति अपराध करने वाले थे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन कुछ भी हो ये दूत तो खैर है लेकिन साथ में उसने भूत बना के रखा है सारे, यहाँ पर इतने सारे लाखों सैनिक मार दिए, मेरे बेटे को मार दिया, प्रहस्त के बेटे को मार दिया, है तो बहुत शक्तिशाली है, तो इसने जो काम किया है सजा तो मिलनी चाहिए लेकिन इसको। तो रावण ने कहा जो वानर होते हैं ना इन वानरों की सबसे महत्वपूर्ण इनका श्रृंगार सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है इनके पूरे शरीर का वो इनकी पूंछ होती है, इसकी पूंछ में आग लगाई जाए, मंगाओ कपड़े मंगाओ तेल केरोसिन। अरे वहां से कपड़े आने शुरू हुए थान के थान आए, तो उन्होंने देखा भाई इतनी लंबी पूंछ है, मतलब पूंछ तो बहुत लंबी है इसकी। तो उसके बाद हनुमान जी क्या करते रहे अपनी पूंछ बढ़ाते भी रहे, वो लपेटते रहे हनुमान जी की पूंछ बढ़ती रही, और वो और बांधते रहे हनुमान जी की पूंछ और बढ़ती रही। इसके बाद फिर तेल लगाया गया, तेल भी डालना पड़ेगा, तेल लगाया, तेल खत्म हो रहा था तो डालडा लगाया, कहीं ना कहीं जो भी पड़ा था कहते लगाओ, लेकिन ये पूंछ में तो आग लगानी चाहिए थी। तो जब सीता मैया की बात पता लगी तो सीता मैया ने जो है उस वक्त अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव भले ही हनुमान की पूंछ पे आग लग रही है लेकिन ना हनुमान को कुछ ना हो, हनुमान जो है राम जी का शुद्ध भक्त है, हनुमान को कुछ ना हो। अब हालांकि अग्निदेव ने वैसे आशीर्वाद दिया हुआ है कि अग्नि का कोई भी अस्त्र हनुमान जी को काम नहीं करेगा, कोई अग्नि जला नहीं पाएगी, कोई पानी डुबो नहीं सकता हनुमान जी को, हनुमान जी सो पावरफुल। लेकिन यहाँ सीता मैया का स्नेह है हनुमान जी से, तो इसने अग्निदेव से प्रार्थना की मेरे पुत्र को हनुमान को कुछ ना हो। तो जितना ज़्यादा आग लग रही थी उतना हनुमान जी को अच्छा लग रहा था, अंदर उनको शीतलता का अनुभव हो रहा था। तो उनको तो सब लोग जो है कोई उनके ऊपर टमाटर फेंक रहा है, कोई उनको गाली दे रहा है, कहता है अरे वाना तेरी ये तेरी वो, और हनुमान जी कहता है तेरा बताऊं तेरे को अभी जो हाल मचा रहा हूँ, नहीं नहीं वा, 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 वा। तो इसीलिए जो है तो लोग
जो मजाक भी कर रहे थे छुप छुप के कर रहे थे, कोई झाड़ी के पीछे बोल रहा था अरे वानर। तो हनुमान जी को देखते कहते हैं देख रहा हूँ तेरे को मैं। तो कहते नहीं 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 आप बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं जय हो। तो इसलिए जो पीछे होकर के कुछ बोल पा रहे थे बोल पा रहे थे, सामने को हनुमान जी को कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनको पता था हनुमान जी ने हाल का किया है, 1/3 सेना को खत्म कर दिया रावण की टेस्टिंग टेस्टिंग में, तो ये बहुत शक्तिशाली है। तो फिर हनुमान जी वहाँ देख रहे थे अच्छा ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं ये लोग, अच्छा ये लोग यहाँ पे रहते हैं ठीक है ठीक है, अच्छा ये वाला ये कहते ये मंत्री यहाँ रहता है, हाँ मंत्री यहाँ रहता है, कहते अच्छा हाँ तो वो कहता वो मेरा घर है। अच्छा उस मंत्री से पूछा तू कहाँ रहता है, कहता वो जो देख रहे ना वो मेरा घर है। अच्छा 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 वो जो विभीषण जो धर्म की बात कर रहा था वो उनका, कहता वो वाला वो उनका घर है, ठीक है ठीक है ओके वो वाला घर छोड़ देंगे बस ठीक है और वो भीषण घर छोड़ देंगे, कहता और तो तू, कहता मेरा घर ये मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट मेरा अपार्टमेंट यहाँ पर, कहता अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस तरह सबके एड्रेस वगैरह ले कहता बहुत बहुत बढ़िया हो गया तुम लोगों ने, कहता बस ठीक है अब देखो आप उनका कमाल। उसके बाद फिर हनुमान जी ने छलांग लगा करके पूरी लंका में आग लगाई, बस दो जगह आग लगाई, एक अशोक वाटिका में एक विभीषण के घर पे, बस इन दोनों जगह को छोड़ दिया, बाकी सब जगह आग लगा दी हनुमान जी ने अपनी पूंछ से। तो यानी क्रोध तो उन्होंने किया लेकिन क्रोध उनके कंट्रोल में था, यानी कि नॉब उनके पास था, फ्लेम कितनी देनी है और कहाँ देनी है ये हनुमान जी जानते हैं। तो इसलिए क्रोध करना ये गलत बात नहीं है, क्रोधित हो जाना ये गलत बात है। तो हनुमान जी ने क्रोध का इस्तेमाल किया लेकिन विभीषण के घर को कुछ नहीं रखा, वो विभीषण घर हाँ उसमें कुछ नहीं, वो धर्म वो धार्मिक है वो हाँ, और सीधा भैया अशोक वाटिका दैट्स इट। बाकी सब जगह आग लगी हुई थी, इंक्लूडिंग इवन जो क्वार्टर थे रावण के वो भी जो है जल रहे थे, जो उसका चंद्रकांता वाला जो पूरा एरिया था वहाँ भी आग लगी हुई थी, जहाँ से एसी की हवाएं निकला करती थी वहाँ पर एसी की तेजी हो रखी थी क्योंकि वहाँ से अब ज्वालाएँ निकल रही थी अब। तो उसके खुद के क्वार्टर में भी आग लगी, सब जगह आग लगाई हनुमान जी ने। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी के कांच सवारे ऐसे हैं हनुमान जी, लाइक दैट। ऑलराइट तो अभी हम यहीं पे विराम देंगे।